सब्सक्राइब करें रियल रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और नेट प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हमने 4 मीटर लिया है और नेट फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है। साथ में हमने लेस ली है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। शोल्डर की चौड़ाई हमने ली है 7 इंचीस और यहाँ से आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचीस, मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमें लेनी है 10 इंचीस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचीस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचीस और यहाँ से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंचीस, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और नेक की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचीस, मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। ये फ्रंट का पार्ट है, इसका आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई 2.5 इंचीस लेंगे और मार्क करेंगे और नेक की लंबाई हम लेंगे 3 इंचीस, राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने मार्क कर लिया है। नेक के सेंटर से नीचे 2.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव की लंबाई हम लेंगे 12 इंचीस और स्लीव की चौड़ाई हमने ली है 9 इंचीस। यहाँ से नीचे 3 इंच पे मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचीस और यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। इस तरह मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन कर लेंगे और 1 साइड हल्का सा राउंड से देते हुए कट लगाएंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं। दोनों लेयर की इस तरह के 2 लेयर हमारे पास है। बॉटम पार्ट की लेंथ हमने ली है 35 इंचीस और चौड़ाई हमने लिया है 43 इंचीस। अब हमने यहाँ पे बैक का पार्ट लिया है। इसका नेक के शेप का स्ट्रिप हमने कट किया है। स्ट्रिप को राइट साइड से अटैच करना है और अटैच हो जाने के बाद साइड की बॉर्डर है इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह नेक पे हम सिलाई लगाएंगे और इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे।
अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है, इसे इस तरह टू फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक हमने टू फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें नेक का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसे कट करेंगे। इसी नाप का नेट फैब्रिक हम कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रिंटेड नेट फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर इस पीस को रखे एजेटिंग इसे कट कर लेंगे। इस तरह इस पीस को हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट हमने लिया है, इसके नेक पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। हमने यहाँ पे नेक शेप का स्ट्रिप कट किया है। इस स्ट्रिप को राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे। इस बॉर्डर पे सिलाई लगानी है और साइड वाली बॉर्डर को इस तरह फोल्ड करके राउंड में हम सिलाई लगाएंगे और इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने नेक रेडी कर लिया है। इस नेक के सेंटर में हमें नेक वाला पोर्शन अटैच करना है। इसी नाप का लाइनिंग फैब्रिक हम कट करेंगे। इस तरह लाइनिंग फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब नेक इस पीस के राइट साइड लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करेंगे नेक पे सिलाई लगा के और इसे रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने इसका नेक रेडी कर लिया है। अब इस पीस को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह नेक के साथ मिला के इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड नेक पे हमें इस यह लेस अटैच करनी है। दोनों तरफ की बॉर्डर को इस लेस के दोनों तरफ की बॉर्डर को फोल्ड करना है इस तरह। और यहाँ पे हम इस बॉर्डर पे रख के सिलाई लगाएंगे और इसके सेंटर से नीचे, यहाँ से नीचे, और इस तरह हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह दोनों तरफ हमने इस लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे गोटा पट्टी लेस ली है। इस लेस को इस बॉर्डर पे हमें अटैच करनी है। तो इस तरह हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर को अटैच करेंगे। इस तरह हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे।
टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को उल्टा रख के आर्म होल पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। दोनों तरफ की स्लीव हमने अटैच कर ली है। अब स्लीव के मोरी के बॉर्डर पे हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इस तरह की दो स्ट्रिप हमने ली हैं जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस। स्ट्रिप को रॉन्ग साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करेंगे और इस स्ट्रिप को राइट साइड टर्न करके सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमें इस तरह की स्ट्रिप बनानी है। इस तरह की स्ट्रिप हमने अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हमें लेस अटैच करनी है। इस तरह मोरी की बॉर्डर पे हमने लेस अटैच कर ली है। अब बॉटम पार्ट हम रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। यहाँ से हमें प्लीट्स बनानी है। वन साइड से इस तरह फैब्रिक को टर्न करके प्लीट्स बनाएंगे और पिनअप कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट में भी हमें प्लीट्स बना के टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। तो इस तरह टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लेना है और स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर पे बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक के सेंटर में डोरी अटैच की है और बॉटम पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे इस तरह की लेस हमने अटैच की हुई है। तो फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।